हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल। तो आप ये देख सकते हैं एक एरियल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सो ये आज का जो व्लॉग है वो है मेरी मम्मा'स ड्यूटी व्लॉग्स, और आप कह सकते हैं एज अ इंडियन हाउसवाइफ ड्यूटी व्लॉग। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है एज अ मदर अपनी बेटी को टाइम देना, मुझे वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताऊँ, कुछ टाइम स्पेंड करूँ उसके साथ, चाहे वो खेलने के लिए हो या उसके साथ मुझे कुछ कुकिंग करनी है, प्ले एंड पिटन गेम्स जो होते हैं वो मैं उसके साथ खेलूं, एंड पढ़ाई के साथ भी थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करते हैं। तो बस वही टाइम हमारा चल रहा था, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। आर्या का मन था फालूदा पीने का, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए फालूदा बना देती हूँ। सो एक लीटर दूध में हम ये फालूदा मिक्सचर बनाएंगे। सो इसका रेडीमेड मिक्सचर बाज़ार में अवेलेबल होता है, बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। सो बस दूध को बॉईल करना है हमें, तो मैं उसको अच्छे से चला रही हूँ जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। सो ये रॉयल स्वादिष्ट फालूदा मिक्स है मैंगो फ्लेवर का, इसमें शुगर एंड ऑल एवरीथिंग इज एडेड इन दिस। आपको सिर्फ ये दूध में जब बॉईल होने के बाद मिक्सचर डाल देना है पूरा, एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे पीछे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हिंदी और इंग्लिश में, और हमें बस 15-20 मिनट्स पकाना है। तो मैं इसको एक बॉईल दे दूंगी चलाते हुए, एंड साइड से मैंने सब स्क्रेप करके उसमें डाल दूंगी, एंड बस उसको फिर स्लो आंच में 15 मिनट्स तक हमें इसे बॉईल करना है। सॉरी दोस्तों, मैंने इसका पिक्चर नहीं लिया था, लाइक कि मैंने बाद में जब सर्व किया था मैंने उसको व्लॉग नहीं किया था, बिकॉज मैं भूल चुकी थी हमने पी लिया था। और बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ घी बनाने की। तो मैंने पूरा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, मेरे पहले की वीडियोज़ में मैंने घी का प्रोसेस पूरा दिखाया हुआ है। ये देखिए मक्खन कितना अच्छा आ गया है। तो मैं तकरीबन 10 दिन का घी मैं मलाई यूज़ करती हूँ घी बनाने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मेरी बेटी मेरे साथ वीडियो ब्लॉग की स्टार्ट कर रही है। आप देख सकते हैं आर्यों को मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया है आज। आरू का मैंने कल रात को अच्छे से चुम्पी किया था इसका मैंने। तो आज का जो व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट इंडियन मॉम और हाउस वाइफ, आप बोल सकते हैं ड्यूटी व्लॉग्स, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं रादर देन कुकिंग एंड क्लीनिंग। सो क्लीनिंग में बहुत कुछ आता है, ड्यूटीज़ बहुत सारी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ट्रस्ट भी मेरा पूरा घर मेस है, तो मैं अभी पूरा घर आर्य आप लोग को बाय बाय बोल रही है। तो मुझे पूरा घर क्लीन करना है, तो आप लोग मेरे साथ रहेंगे क्लीनिंग के लिए। हाउ वी लाइक यू नो डू वाइल क्लीनिंग, हाउ वी मैनेज कुकिंग ऑल्सो, सो इट इज़ लाइक यू नो वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर 300+ सब्सक्राइबर्स। ये सब आपके सपोर्ट और आपके कि आप लोग की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि 300+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो हमें 500 to 1000 भी करना है दोस्तों। अभी बहुत अभी लंबा सफ़र है हमारा, हमें बहुत दूर जाना है, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आई जस्ट नीड अ स्मॉल, और आप लोगों को मुझे ऐसे सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, मेरा घर पूरा मेस है, आप लोग मेरे साथ रहेंगे वाइल डूइंग माई क्लीनिंग एंड कुकिंग। इट्स ऑल मेस मेस एवरीवेयर। तो चलिए क्विकली क्लीन करते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12:00 ओवर हियर। तो मैं मॉर्निंग का रूटीन आज दिखाया नहीं है, क्योंकि आज मैं और मेरी बेटी ही घर पे हैं, मेरे हस्बैंड हैं नहीं, तो हम आज काफ़ी लेट उठे हैं। बीइंग अ संडे, हम कुछ तकरीबन 9:30 को आज उठे हैं हम दोनों, अदरवाइज तो हम उठ जाते हैं। लेकिन शी इज़ टू वेक अप अराउंड 6:30 एंड मैं 5:30 नहीं बट 6 बजे उठ जाती हूँ मॉर्निंग में। तो हम संडे बना रहे थे, संडे में उसको सोने देती हूँ उसकी नींद। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली में ये मेरा ड्रेस डाइनिंग टेबल है जो हमेशा फुल रहता है कपड़ों से। ये सब गंदे कपड़े नहीं हैं, उसमें गंदे कपड़े, ये सब क्लीन कपड़े हैं, तो धुले हुए कपड़े हैं। आर्या का बैग दीजिए। तो सैटरडे संडे होता है, सो घर की हालत थोड़ी सी मेस रहती है,
सो संडे को मुझे लेजी और नहीं बनाना है, आई हैव टू फिनिश माई वर्क एंड देन गेट बैक टू द किचन का भी काम करना होता है. सो ये देखिए एज अ मदर नो एज अ हाउस वाइफ ये ड्यूटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो देखिए मैंने पूरा टेबल क्लीन कर लिया है, अब बस मैं नॉर्मल सी डस्टिंग करते हैं वो कंप्लीट कर लूँगी मैं. और जो ये न्यूज़पेपर्स हैं डेली के आते हैं, मैं यहाँ से जितनी हमें ज़रूरत होती है मैं उतने ही यहाँ रखती हूँ. अदरवाइज़ जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं मैं उन्हें कैबिनेट में रख देती हूँ. सो ये हमारे बैठक का जो एरिया है मैं वहाँ पे नीचे ऐसे प्रॉपरली रखती हूँ, फिर देन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं रद्दी वाले को बुला के उसे सब सेल कर देती हूँ. और ये देखिए दोस्तों ये मेरे गंदे कपड़े जो मुझे वॉश करने हैं. सो मैं यूजुअली भी बारिश का टाइम है तो गर्म पानी में सोख करके मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि बारिश में हल्की सी स्मेल आ जाती है इस रीज़न से. तो दोस्तों मुझे शेयर करा था मैं लॉन्ड्री के लिए क्या यूज़ करती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं एक एरियल टॉप लोडेड है, वही मशीन टॉप लोड है, मैं वो यूज़ करती हूँ. सो मैं उसको इसमें खाली करके रख लिया है मैंने, बिकॉज वो काफ़ी बड़ा है तो डेली के लिए कन्वीनियंट नहीं होता है. जो सॉफ्ट टच का मेरा बॉटल है मैं वो उसमें डाल के ही मैं यूज़ करती हूँ. और इसमें मैंने वैनिश यूज़ किया है, वैनिश रखा हुआ है इसमें. सो मैं इससे वैनिश भी डालती हूँ जब कपड़े भिगाती हूँ मैं, तो अगर वॉशिंग मशीन में ड्रिक्ली डाल दूँ तो दो मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ. और सेम मैं सॉफ्ट टच का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ वेप्रो का, मैंने कंफर्ट भी यूज़ किया है. मेरी बेटी आपको बता रही है. सो मैं लुक मैं जब वो यूज़ करूँ तब मैं आपको बताऊँगी. ओके थैंक यू सो मच. तो मैं सेम सॉफ्ट टच का ब्लू कंडीशनर यूज़ करती हूँ मेरे कपड़ों के कंडीशनर के लिए. तो चलिए मैं कपड़े भिगा देती हूँ और फिर आप उससे मिलती हूँ. और आर्य मेरे साथ ना ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता है, तो वो मुझे हमेशा हेल्प करने आ जाती है. एंड आई थिंक इट्स गुड बच्चों को अपने साथ हमेशा ये काम में बिजी रखो तो वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहते हैं एंड दे विल ऑल्सो लर्न घर का काम कैसे होता है, मम्मा की हेल्प कैसे होती है. और बस ये कपड़ों को मैं हाफ एन आवर तक सोक करूँगी, उसके बाद मैं इन्हें वॉश करने के लिए डाल दूँगी. मीनवाइल मैं अपना बाकी का काम ख़त्म कर लेती हूँ. तो ये है मेरे वॉश किए हुए कपड़े जो मुझे सेट करना है, मैंने फोल्ड नहीं किया था. सो ये भी एक ड्यूटी होती है एज अ मदर, कपड़ों को फोल्ड करना प्रॉपरली रखना इट्स अ बिग टास्क. मुझे बर्तन धोना और कपड़े जमाना मतलब ना बड़ा ही टास्क लगता है. मतलब कपड़े धो के मैं ड्राई कर सकती हूँ बट उसको फोल्ड करना जगह पे रखना इट्स अ बोरिंग. सो अभी काफ़ी कपड़े थे घड़ी करने के लिए तो सब बस मैंने फोल्ड कर दिया है सारे मेरे कपड़े. और बेडिंग ठीक कर देती हूँ मैं. सो ये आर्या का बेडरूम है जो यूजुअली वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती है. सो इसका टेडी है फ़िलहाल तो यहाँ, उसके बाद वो कहाँ होगा मुझे ही पता नहीं है. और ये देखिए मेरे बेडरूम में ज़्यादा गंदा नहीं है बेडरूम, नॉर्मल से मैंने मॉर्निंग में उठ के मैंने बेडिंग ठीक कर ली थी. अभी बस ये जो थोड़ा मोटा सामान ना जो यहाँ वहाँ रखा है बस मैं वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि टॉडलर है घर में तो अब कितना भी क्यों ना क्लीन करे वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है. और देखिए बोल रही मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ मैं खुद कॉम कर सकती हूँ. सो बस मैं अब कपड़े मशीन में डाल रही हूँ कपड़े. तो मैं आपको इसका बताना चाहती थी कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं. मैं हॉट वाटर में धोऊंगी कपड़े, सोक करने के बाद भी मैं हॉट वाटर में धोती हूँ स्पेशली इन रेनी सीजन, क्योंकि क्या होता है ना वो प्रॉपरली ड्राई धूप नहीं मिलती तो हल्की सी स्मेल रहती है, इसलिए मैं सॉफ्टनर यूज़ करती हूँ. मैंने आपको बताया है कि मैं सॉफ्ट टच का विप्रो ब्लू कंडीशनर यूज़ करती हूँ, उससे स्मेल तो नहीं आती बट एक नमी रहती है. सो बस प्रोग्राम वन में मैं डेली जो यूज़ करना है इट्स अ 15 मिनट्स वॉशिंग साइकिल है मेरा. और देखिए एन एस शोज क्या वो कितने कप डिटर्जेंट ऐड करना है. सो इससे 2 बट मैं 1 डालूंगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी सोक करके रखा था. और ये देखिए मेरी गुड़िया सो रही है, इस सोते बच्चे इतने प्यारे लगते हैं ना कि पूछिए मत, इतने क्यूट लगते हैं. सो बस मैं इसको सुला के अपने पेंडिंग काम ख़त्म करने जाऊँगी. दोस्तों वेलकम बैक. सो आर्या सो चुकी है और ये देखिए बर्तन धुलने के लिए रखे हैं अभी इतने बर्तन. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे कपड़े थोड़े बहुत हो जाएं तो मैं अपना सॉफ्टनर डाल के फिर मैं जाऊं आराम करने के लिए. तो मीनवाइल मैं अपने कपड़े बर्तन धो लेती हूँ.
मैं वेट इसलिए कर रही हूँ मशीन का बिकॉज मेरे इसमें साइकिल जो है स्पिन साइकिल है वो 3 times का है, लेकिन 3 times मेरे कपड़े स्पिन होते हैं और वो बहुत पानी यूज़ करती है। इस रीज़न से मैं जब 17 minutes का जो मेरा सेकेंड साइकिल होता है ना, तब मैं मशीन को पॉज कर देती हूँ, अपना सॉफ्टनर डाल के उसे एक बार वो स्पिन हो जाता है, उसके बाद थोड़े स्पिन मैं नहीं करती हूँ, देन आई डायरेक्टली ड्राई, तो वो 2 बार काफ़ी स्पिन हो जाते हैं, पानी बहुत यूज़ कर लेती है मेरी मशीन। इस रीज़न से मुझे इस चीज़ का ध्यान देना होता है। तो चलिए आ रहे, आराम कर रही, सो रही, तो मुझे भी थोड़ा आराम करना है, तो मैं क्विकली बर्तन धो लेती हूँ, फिर अपना कंडीशनर डाल के फिर थोड़ा मैं भी आराम। जो तो मेरे बर्तन वॉश हो रहे थे, मेरी मशीन को मैंने पॉज कर दिया 17 minutes के लिए, एंड मैं अपना सॉफ्टनर डाल के इसे एक बार अच्छे से रिंस कर लूँगी, देन ड्राई कर लूँगी। ये देखिए आर्या सो के उठ चुकी है, बस मेरा काम ख़त्म ही हुआ था। और आज आर्या का असाइनमेंट है स्कूल का, सो आर्या इज़ मेकिंग अ पॉपकॉर्न, सो विद द फुल सेफ्टी आई एम हेल्पिंग हर टू मेक अ पॉपकॉर्न। ये सेंस ऑर्गन उनका कुछ लाइफ स्किल प्रोजेक्ट था, जिसे बच्चों को पॉपकॉर्न की स्मेल फील करना था, उनको जब वो पॉप होते हैं उन्हें वो फील करना था। तो देखिए आर्या कितने अच्छे से कर रही है, एंड शी इज सो हैप्पी सीइंग द पॉपकॉर्न्स पॉपिंग। सो एज अ मदर नाउ, एज अ हाउस वाइफ, डेली लाइक यू नो ध्यान रखना कौन सी चीज़ को कब क्लीन करना है हमें, ये बहुत ज़रूरी होता है, हमारी ड्यूटी होती है। लेकिन यू नो कुछ अंदर सामान फ्रिज में ख़राब तो नहीं हो रहा है, जैसे ये मटका मुझे धोना होता है, लेकिन मैं हर 2 दिन में धोती हूँ, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लीन करनी पड़ती हैं ऑन अ वीकली बेसिस और 2 days बेसिस, टू रिमेंबर दैट एंड कीप थिंग्स हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने मटके को रख दिया है पानी भरने के लिए, फिल्टर चालू कर दिया है, एंड देन दैट्स इट। ये आर्या का टिफिन है, सो मैंने ये शॉर्ट्स में शेयर किया था आप लोग के साथ। तो ये पालक का पराठा मैंने बनाया है उसके लिए, शेरी एंड होममेड केक। और ये जो रात के कपड़े थे ये देखिए मैंने सुखाने को रख डाल दिए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। सो यहाँ पे तकरीबन 9 बज रहे हैं, अब वेदर देखिए सो ब्यूटीफुल, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, धूप नहीं है, काफ़ी ठंडा सा मौसम हो गया है, रात भर बारिश नहीं हुई बट फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है। सो आर्या स्कूल जा चुकी है, आज थोड़ी सी सैड थी आर्या, मुझे पता नहीं वो सैड क्यों थी आज, आई थिंक 2 दिन का गैप हो जाता है इसलिए शायद से उसको लगा था कि स्कूल नहीं जाना है, बट स्कूल जाना था उसे। सो मैंने उसको लंच ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट खिलाया, एंड देन उसको मैंने लंच में दिया तो है टिफिन, लेट सी वो खाती तो है काफ़ी शौक से पालक की चपाती, ग्रीन चपाती, देखते वो लंच कंप्लीट करेगी कि नहीं अपना आज, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम टिफिन कंप्लीट नहीं करती है, सो देखते हैं। और मैं आप लोगों को आज, तो अब मैं आपको उसकी स्कूल बस के बारे में बताऊँगी। सो ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है रिगार्डिंग माई अदर ड्यूटी व्लॉग्स, तो मुझे फिलहाल नींद नहीं आई थी, मैं बैठी हूँ आराम से, सुबह के मज़े ले रही हूँ। अदर ड्यूटी ऑफ अ हाउस वाइफ टू मेक श्योर जो भी कुछ ख़त्म हो गया उसे रिफ़िल करना है, तो जब भी मेरे स्पाइसेस के डब्बे या फिर मेरी जो दाल के डब्बे हैं वो खाली होते हैं तो मैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ, फिर ड्राई होने के बाद उसे मैं रिफ़िल करती हूँ। तो एक अंदाज़ा हो जाता है लेकिन यू नो क्या चीज़ें मंगानी है। और देखिए मेरा उप्स मोमेंट, इतनी सारी दाल मेरी गिर गई, कोई बात नहीं, आई विल क्लीन इट। सो मैंने ये तुअर दाल, मसूर दाल और मूंग दाल मिला के ही मैं दाल बनाती हूँ, मैं सिर्फ प्लेन तुअर दाल नहीं बनाती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके, और यस इट इज़ डन। अब जो बची हुई दाल है मैं उसको, एक तो मेरी आदत है मैं एक डब्बे में कंटेनर में ही सारी चीज़ें रखती हूँ ताकि मुझे पता रहे क्या चीज़ ख़त्म होगी, मुझे डिमांड से क्या लाना है एज अ मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग में। तो बस मैंने इसको भी वाइप आउट कर दिया है, क्लीन कर दिया है, और ये शक्कर है देखिए वो भी खाली हो गई है, तो मैं इसको रिफ़िल कर लूँगी बिकॉज पैकेट से ही इसमें रहता है तो ज़्यादा सेफ रहता है। और इसको मैंने पैक करके अच्छे से मैं इसको पोंछ के, और जो बच गया शक्कर उसको मैंने सील कर दिया है गैस से, देखिए जो फायर अपनी गैस की जो आंच होती है उससे मैंने इसको पैक कर दिया है। और ये चावल है, थोड़ा चावल इसमें बच गया है बिकॉज ये 10 kg का पैकेट है और ये मेरा कुछ 6 kg का है, तो पूरा चावल एक बार में नहीं आता है, तो मुझे ये भी खाली करना था, तो ये भी हो गया है खाली। तो देखिए एज अ
हाउसवाइफ वही है, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कौन सी चीज़ें हमें कब रिफिल करना है, महीने के सामान में क्या क्या लाना है। और ये देखिए मेरा ये किचन का साइड इतना गंदा होता है ना, तो मैं, मेरी भाई तो करती है बट फिर मुझे भी ये डेली बेस में, वीकली बेस में क्लीन कर लेती हूँ मैं ऐसे ही अपने हाथों से, थोड़ा डीप क्लीन नहीं करती हूँ। बस मैंने ऐसे कार्डबोर्ड्स के लगा दिए हैं ताकि वो नीचे गिरे नहीं, कचरा कम नीचे जाए इस रीज़न से। तो ये मेरा ग्रॉसरी हॉल है, देखिए बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इससे मुझे अब आइडिया आ जाएगा कि मुझे डीमार्ट से और क्या क्या सामान लेना है। सो इट्स ईजी टू मेक अ लिस्ट वाइल गोइंग फॉर अ मंथली शॉपिंग। एंड यस इट इज़ डन। ये देखिए ऑल सेट एंड नाइस एंड नीट एंड क्लीन। और बस ये मेरा एरिया है जहाँ मैं आटा चावल और जो मेरे बच्चे के वो डब्बे में भी मेरे स्पाइसेस ही रखे हैं, लेकिन हल्दी है, धनिया है, मिर्ची पाउडर, ऑल दैट। एंड ये है मेरा एरिया जहाँ मेरे ओट शक्कर जो एक्स्ट्रा है सब वो मैं यहाँ रखती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मेरा व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू लाइक एंड शेयर। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिल जाएं मेरे न्यू व्लॉग के। बाय बाय, टेक केयर।